अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रामपुर इकाई ने छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। इस दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। उनका कहना है कि रामपुर कॉलेज प्रबंधन का रवैया हमेशा नकारात्मक रहा है। वे छात्रों की समस्याएं सुलझाने के बजाय उल्टे छात्रों को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रामपुर इकाई ने छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर 24 घंटे का सांकेतिक भूख हड़ताल की। इस दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि रामपुर कॉलेज प्रबंधन का रवैया नकारात्मक रहा है। वे छात्रों की समस्याएं सुलझाने की बजाय उल्टे छात्रों को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय कॉलेज की समस्याओं और मांगों को लेकर प्राचार्य का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामपुर में छात्रों की भूख हड़ताल को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन मंत्री दिखिन ठाकुर द्वारा जूस पिलाकर समाप्त की गई। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं, परीक्षा परिणामों में अनियमितताओं को दूर कर परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किए जाएं। छात्रों ने कहा कि राज्य स्तरीय आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर इकाई अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, सचिव अभिषेक श्याम छात्र, प्रमुख अंजना नेगी, योग्यता दिया शिवानी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इकाई अध्यक्ष प्रदीप ने आरोप लगाया कि महाविद्यालय प्रधानाचार्य जब भी कॉलेज की समस्याएं लेकर जाते हैं तो नकारात्मक रुख अपनाते हैं और छात्रों को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, जिसका एबीवीपी इकाई ने रामपुर में कड़ा विरोध करती है। इकाई सचिव अभिषेक ने बताया कि 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। कल छात्र कॉलेज प्राचार्य का घेराव करेंगे। कार्यक्रम में एक बार फिर से वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।